नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कोल इंडिया के भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। गिरडी कोलियरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रामेश्वर सिंह फौजी ने कहा कि कोल इंडिया में भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि कोलियरी में बिना पैसे दिए मजदूरों का कोई काम नहीं होता है। सीसीएल के कार्मिक विभाग में 60% अधिकारी भ्रष्ट हैं। सीसीएल इलाके में प्रतिदिन करोड़ों की अवैध वसूली हो रही है। कहा कि कोलियरी मजदूर कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएगा। उक्त बातें फौजी ने सीसीएल पनिया डी के रेस्ट हाउस में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। फौजी सीसीएल रेस्ट हाउस बनिया डी में कोलियरी मजदूर कांग्रेस के गिरडी एरिया कमेटी द्वारा आयोजित मई दिवस समारोह में भाग लेने बनिया डी कोलियरी पहुंचे थे। इस दौरान सीएमसी के एरिया कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं एरिया अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता और मीडिया प्रभारी राजेश कुमार के संचालन में मई दिवस समारोह आयोजित हुआ। सिकांगो के शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर और सीसीएल डीएवी स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर मई दिवस समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कोलियरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री फौजी ने कहा कि ट्रेड यूनियनों की भूमिका प्रबंधन और मजदूरों के बीच सेतु का काम करना है, लेकिन अब ट्रेड यूनियन का अर्थ बदल गया है। ट्रेड यूनियन से यूनियन शब्द हट गया है, सिर्फ ट्रेड अर्थात व्यापार रह गया है। कहा कि ट्रेड यूनियन में शामिल लोग ऑफिसर की दलाली करने में जुटे हैं। कहा कि ट्रेड यूनियन की आड़ में करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। कहा कि सीसीएल में खुलेआम कोयला लोहा तेल की चोरी हो रही है, पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उन्होंने बनिया डी कोलियरी के बाबत कहा कि यह धरती मजदूरों की है, यह बेईमानों की धरती बन गई है। जल्द से जल्द यहां भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेसीबीआई की बैठकें होती हैं, पर ट्रेड यूनियन मजदूर हित में आवाज नहीं उठाते हैं। ट्रेड यूनियन में शामिल नेता इतना पैसा कमा चुके हैं कि उन्हें ईडी सीबीआई का डर सताता है, इसलिए वह प्रबंधन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आज यहाँ क्षेत्रीय कमेटी का नया गठन हुआ है। ये लोग को शौक था कि हम यहाँ आए, तो मैं बोला मजदूर दिवस, जो मजदूरों का मजदूर दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे इसी पक्ष में आए, और खास करके बेरमो क्षेत्र जिसमें ये भी शामिल है, दूर तो है शामिल है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का क्षेत्र है बेरमो और गिरिडीह। मैं अपने संबोधन में भी बोला हूँ कि आप जागृत हो जाएं, मजदूरों को सचेत करना चाहता हूँ कि आप सचेत हो जाएं, मेरे साथ दें। मैं जड़ से तो नहीं, लेकिन मजदूरों काम में जो भ्रष्टाचार है, हर एक काम भ्रष्टाचार है, उसको मैं मिटाने की कोशिश करूंगा। आज ट्रेड यूनियन में यूनियन खत्म हो गया, ट्रेड रह गया व्यापार। आज लोग ट्रेड यूनियन के आड़ में कोयला चोरी, लोहा चोरी, तेल चोरी करवा रहे हैं। आप जाके देखें, रोड सेल में दलाली ले रहे हैं, रेलवे लाइन में दलाली कर रहे हैं। आज मजदूरों का कोई भी काम में घुसखोरी है। सीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संसदीय इतिहास के ईमानदार व्यक्ति संजू राय जी हैं, मैं फौजी के बारे में जानता है। लोग 1987 से मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सैकड़ों भ्रष्टाचारियों को जगह पर पहुँचा चुका हूँ। मजदूरों के काम, आवास आवंटन, बच्चे की शिक्षा, चिकित्सा, प्रमोशन, किसी प्रकार के पावना में घूस लेने वाले, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले भविष्य में अगर यहाँ के मजदूर जागृत होते हैं तो उनका हक अधिकार के लिए कहीं तक लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू राय जी, जैसे आप जानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े लोगों को जगह पहुँचा चुके हैं। मैं मजदूरों को खुशी देखना चाहता हूँ। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं किसी जाति को देख करके और पार्टी को देख काम नहीं करता। जो भी कोल इंडिया के मजदूर, चाहे आम जनता, मेरे पास आता है, उनका मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं फौज सच्चा फौजी हूँ और मैं भारत देश का बेटा हूँ, यही उद्देश्य से मैं काम करता हूँ। किसको अध्यक्ष सचिव बनाया गया? यहाँ पर हमारे अध्यक्ष उमेश उदय सिन्हा जी हैं, और क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय सचिव सुनीता सिंह है, जो कि उन्हें 2009 में भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे पास आई थी और यहाँ के एक बड़ा बाबू को आरिश करवाई थी। उसी समय से मेरा बाप बेटे का रिश्ता है। आने वाले भविष्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बढ़ चलते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए गिरिडीह से राजेश कुमार की रिपोर्ट।